अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सहायक अभियंता कार्यालय मदार और विजिलेंस टीम पर पिछले दिनों गगवाना में बिजली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए जब कार्रवाई की जाने लगी तो गगवाना में रहने वाले कुछ असामाजिक तत्वों ने विजिलेंस टीम और सहायक अभियंता कार्यालय की टीम पर लाठी डंडों और सरियों से प्राण घातक हमला कर दिया। ऐसे में विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों ने गेगल GSS भागकर अपनी जान बचाई। आज अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संयुक्त महामंत्री विनीत कुमार जैन के नेतृत्व में विद्युत कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर और SP को ज्ञापन देकर असामाजिक तत्वों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही बिजली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए जाने वाली विजिलेंस टीम और विद्युत कार्मिकों को सुरक्षा देने के लिए पुलिस जाब्ता मुहैया कराने की मांग भी की। जैन ने बताया कि इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक दिन की तनख्वाह काटने वाले आदेश को भी वापस लेने की अपील की है। परसों गगवाना में संयुक्त रूप से जो सहायक अभियंता कार्यालय मदार और विजिलेंस की जो टीम गई थी बिजली चोरी पकड़ने के लिए गगवाना GSS के पास रहने वाले लोगों के द्वारा वहां पर सहायक अभियंता पर और हमारे कर्मचारियों पर प्राणघातक हमला किया गया और सरिया लाठी भाटों के द्वारा उन कर्मचारियों को वहां से खदेड़ कर भगाया गया और उन्होंने गेगल GSS पर जाकर अपना बचाव किया और FIR दर्ज कराई है। इस पूरे क्षेत्र के अंदर लगातार बिजली चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और जब भी हम कार्रवाई के लिए जब भी निगम की टीम वहां जाती है तो वहां इसी तरीके से मारपीट करके और कर्मचारियों को भगा दिया जाता है। आज हमने जिलाधीश महोदय से और माननीय SP साहब से ये मांग की है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो भी बिजली चोरी रोकने के दौरान जो इस तरह की असामाजिक घटनाएँ घटित हो रही हैं कर्मचारियों के साथ और जो जानलेवा हमले किए जा रहे हैं इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जब भी बिजली चोरी की रोकने की कार्रवाई हो SP साहब से हमारा अनुरोध है कि वो पर्याप्त जाब्ता मुहैया कराएं, क्योंकि बिजली चोरी एक अपराध है और इस अपराध को पूरे राज्य में कम करने के लिए, चूँकि ईमानदार उपभोक्ताओं पर निरंतर भार बढ़ता है और कर्मचारियों को भी लॉस बढ़ने पर चार्जशीट मिलती है, विभाग उनको चार्जशीट देता है। वर्तमान में इस पूरे क्षेत्र के अंदर लगभग 25-30% बिजली छीजत हो रही है, उसको रोकने के लिए विभाग ने भी अभियान चलाया था। तो इसके मद्देनज़र हमने ये मांग की है कि सर पर्याप्त जाब्ता मुहैया कराएं, साथ ही प्रत्येक बिजली कर्मचारी की एक दिन की कटौती करने का, तनख्वाह की कटौती करने का जो आदेश राज्य सरकार के द्वारा भेजा गया है उसके तहत हमने ये मांग की है कि बिजली कर्मचारी 24 घंटे अपनी विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से करते हैं और निरंतर काम करते रहते हैं, अति आवश्यक सेवाओं में बिजली को लिया गया है, इसलिए उस एक दिन के वेतन कटौती के आदेश को मुख्यमंत्री महोदय वापस लें। हमने प्रत्येक SDM ऑफिस में ये ज्ञापन दिया है। SP साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि जब भी आपको पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता मुहैया कराया जाएगा बिजली चोरी रोकने के दौरान, और अभी जो घटना हुई है उनके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है।